सो आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। देखिए, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस समटाइम। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है? वेक्टर्स 61st क्वेश्चन तो वेक्टर्स का है, राइट? इसके बाद 62nd क्वेश्चन कहाँ से है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। वाई इज इक्वल टू एक्स कौन सा कर्व है? y इज इक्वल टू एक्स इज ऑब्वियसली ए स्ट्रेट लाइन है, सो नो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, ट्राई करेंगे क्वेश्चन। सो कोई बोल सकता है बेटा कैसे करना है इसको? हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन? कोई बोल सकता है क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ दिस। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। ये कौन सा कर्व है? दिस इज ए शिफ्टेड पैराबोला है, सो नो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, ऐसा नो। सो अगर वाई के प्लेस में वाई माइनस के, एक्स के प्लेस में एक्स माइनस एच अगर आते हैं, द पैराबोला विल बी शिफ्टेड टू द पॉइंट एच कमा के। सो यहां क्या हो रहा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए का वैल्यू वन है, एक्स के प्लेस में एक्स माइनस टू है, ऐसा नो। इसका मतलब द पैराबोला इज शिफ्टेड टू विच पॉइंट? द पैराबोला इज शिफ्टेड टू, बोल सकते हैं कौन सा पॉइंट पे शिफ्ट हुआ? टू कमा जीरो, ऐसा ना। सो हाउ डज द डायग्राम लुक लाइक? सो टू कमा जीरो पे शिफ्ट हुआ, सो पैराबोला ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ऐसा ना। सो वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन जो है आपको पता है अच्छे से 45 डिग्रीज में होगा, ऐसा ना। सो यू आर आस्क्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसा कुछ डिस्टेंस होगा, ऐसा ना। सही कि नहीं? सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कुछ आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी, कुछ बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? मतलब आंसर नहीं पूछ रहा हूं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स, बोल सकता हूं। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसका भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहां भी कुछ ऐसा परपेंडिकुलर जैसा होना चाहिए, राइट?
Given the shortest distance will be perpendicular to the curves, right? Should be normal to both the curves, yes or no? Say? Yes, sir. So, is a straight line ka slope to 1 hai na, y equal to x ka slope to 1 hai, right? So, ये जो shortest distance का direction है उसका स्लोप माइनस वन होना चाहिए क्या नहीं? ऐसा ना? Yes, sir. इसका मतलब अगर इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q मान लिया तो P पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप वापस वन होना चाहिए, ऐसा ना? सो इस पॉइंट पी पे टैंजेंट, अगर पैराबोला का टैंजेंट ड्रॉ किया तो इसका स्लोप वन होना चाहिए, इज इट क्लियर और नॉट? राइट? सो वो पॉइंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप ऑफ टैंजेंट इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ टैंजेंट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसा ना? So the curve is y square is equal to x minus 2. So y is equal to root of x minus 2. Yes or no? So what is dy by dx? 1 by 2 root x minus 2. Yes or no? Root x ka 1 by 2 root x, right? Okay. रेस्पॉन्ड करिए अगर समझ में आ रहा है तो. इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, बोल सकते हैं सवाल? इज इक्वल टू वन होना चाहिए क्योंकि टैंजेंट का स्लोप है, राइट? सो रूट ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू हाफ होना चाहिए, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1/4 होना चाहिए स्क्वायर करने के बाद. सो एक्स इज इक्वल टू 2 + 1/4, ऐसा ना? यस सर. सो कितना है? 9/4, राइट? सो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 9/4, राइट? सो इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज 9/4, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट? द वाई कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट रूट ऑफ एक्स माइनस टू, ऐसा ना? एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कैसा आएगा? रूट ऑफ एक्स माइनस टू करके आएगा. सो रूट ऑफ 9/4 माइनस 2, रूट ऑफ 1/4, से तो हाफ हो रहे. देखिए, इज इट ओके और नॉट? क्लियर? सो नाउ यू गॉट दिस पॉइंट. सो कैन यू फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू? डिस्टेंस पी क्यू निकालने का कुछ फॉर्मूला पता है आपको? अगर पी पता है तो. सो हाउ टू फाइंड पी क्यू, एनी आइडिया? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कर सकते. क्या है? मुझे क्यू भी निकालना पड़ेगा या डायरेक्टली पी क्यू लेंथ के लिए कुछ फॉर्मूला है आपके पास? डायरेक्ट फॉर्मूला है. क्या है? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी. सो गुड. सो इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के ऊपर निकाल दिया तो दैट विल बी द लेंथ पी क्यू, ऐसा ना? सो दिस लाइन इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ऐसा ना? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना है? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 9/4 माइनस 1/2 बाय रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 2 हो जाएगा. सो क्या होगा? 7/4 रूट 2, ऐसा नो? क्लियर है? देखिए, क्वेश्चन में बहुत कम इंफॉर्मेशन दिए है. यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोसेस.
इसमें इंडिविजुअली देखा तो सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, बट यू हैव टू कंबाइन ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन अ सिंगल प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई से दैट जेई में आपको एप्लीकेशन का प्रॉब्लम होता है. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलाज दैट यू नो. ऐसा नो, इंडिविजुअली सारा कॉन्सेप्ट पता होने से दैट विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. यू हैव टू नो विच कॉन्सेप्ट टू अप्लाई. सो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है देखिए. फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज ए शिफ्टेड पैराबोला. फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर. इसके बाद यू आर आस्क्ड अबाउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारा आइडिया क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी नॉर्मल टू बोथ द कर्व्स. ऐसा नो, यूजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस, राइट? So yes, we have drawn the diagram for this. Pehle diagram draw kiya, that's the third step. Then we have analyzed slopes. So humko ye pata chala ki jo point P pe tangent ka slope jo hai wo y equal to x ka slope se barabar hona chahiye, because the tangent and this line y equal to x should be parallel to each other. Wo idea clear hai? The next idea is that the slope of tangent is nothing but the value of differentiation. Yes or no? So differentiation ko hum slope se equate kiya, wahan se point mil gaya. You got the point P. Yes or no? And then we have applied the formula for perpendicular distance. So ek hi question mein aapko लगभग पांच कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ा इस क्वेश्चन में. ऐसा नो, ओके, शैल वी गो फॉरवर्ड? यस सर. अगले क्वेश्चन में जाएंगे. नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन, कौन सा कॉन्सेप्ट है 63rd क्वेश्चन? बोल सकते हैं विच चैप्टर दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है ना, हम ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन ट्राई दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या बोल रहे हैं? अल्फा कमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. अल्फा बाय बीटा होल पावर एन इज इक्वल टू वन होना चाहिए, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन. What is the least value of n such that alpha by beta is equal to power n is equal to 1, okay? Any ideas, kuch ideas aa rahe? Aage jaane se pehle, this is a question. ये क्वेश्चन शायद अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के ऊपर डायरेक्टली बेस्ड नहीं है. ऐसा नो, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू, अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू टू. है सर नो, क्लियर? ये बोलिए इसका रूट्स रियल है क्या इमेजिनरी है? इस इक्वेशन का रूट्स रियल और इमेजिनरी? How do you check whether the roots are real or imaginary? Imaginary. हाँ, discriminant कितना आ रहे हैं? Minus four. Minus four आ रहे हैं ना? Yes or no? And the roots are imaginary. होना चाहिए, क्योंकि alpha by beta power n is equal to one होना है तो, if the roots are real. अल्फा बाय बीटा होल पावर एन अगर वन होना है तो अल्फा बाय बीटा क्या होना चाहिए? वन तो होना चाहिए ना. ऐसा नो, वन और माइनस वन कुछ ना कुछ होना चाहिए. एंड अल्फा बाय बीटा आप ये वाला इक्वेशन से निकाल नहीं सकते हैं. ऐसा नो, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा से अल्फा बाय बीटा निकाल सकते हैं? डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं. So how are you going to do this question? Any ideas? So alpha by beta kaise nikaliyega?
कोई बोलिए अगर कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो। एनी आइडियाज अल्फाबेट बीटा निकालने का? आदित्य, प्रसाद, आयुषी, कुछ ना कुछ बोलने के लिए कोशिश करिए। तमन्ना, सौहार्द, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होगा इस क्वेश्चन में। सो और क्या कॉन्सेप्ट पता है आपको क्वाड्रेटिक में अल्फाबेट बीटा निकालने का? सर रूट्स फाइंड करने का मतलब इक्वेशन से। हाँ डायरेक्टली रूट्स तो फाइंड कर सकते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए करके रूट्स तो फाइंड कर सकते हैं ऐसा ना? यस। सो अल्फा कमा बीटा इज इक्वल टू टू प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर आया ना ऐसा ना, बाई टू ए, राइट? क्लियर? That is equal to 2 plus or minus 2i by 2. Yes or no? Yes, sir. So that is nothing but 1 plus i by 1 minus 1 plus i or 1 minus i. Yes or no? एक 1 plus i है, एक 1 minus i है. So alpha by beta क्या होगा? 1 plus i by 1 minus i. Yes or no? So this complex number is very familiar to you. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वी गॉट दिस स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर, वन प्लस आई बाई वन माइनस आई क्या होगा? देखिए याद रखना है दिस स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वन प्लस आई बाई वन माइनस आई को आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? वन प्लस आई इंटू वन माइनस आई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस आई होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2, 1 इंटू आई, 2i, सो आई स्क्वायर एंड 1, आई स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, सो 2 एंड 2 भी कैंसिल हो गया। सो क्या है सिंपली अल्फा बाय बीटा? आई आई। सो इस क्वेश्चन में वॉट इज द ट्रिक? एक बार अल्फा बाय बीटा आई आ गया तो आंसर कितना है? आई पावर एन वन होना है तो एन कितना होना चाहिए? फोर। फोर, सो एन इज इक्वल टू फोर। यहां तक आने के बाद ये निकालना बहुत ही ईजी है। सो इन दिस क्वेश्चन वॉट आर द कॉन्सेप्ट दैट आर यूजफुल फॉर यू? फर्स्ट इज रूट्स निकालने का एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ऐसा ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, यू नो दिस कॉन्सेप्ट है सर? यस सर। इसके बाद इसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, व्हेन यू सी वन प्लस आई एंड वन माइनस आई यू हैव टू थिंक ऑफ दिस, वन प्लस आई बाई वन माइनस आई जो है वो आई आएगा। देखिए मुझे तो पहले ही पता है क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूं, आप भी एक दो बार किए हैं, अभी से याद रखना पड़ेगा वन प्लस आई बाई वन माइनस आई क्या होगा। आई, अगर ये याद है ये वाला स्टेप्स जो है इसका टाइम बच जाएगा आपका। वन प्लस आई बाई वन माइनस आई, आई आ गया, आई के इमीडिएटली आपका एन फोर, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल क्वेश्चन है, शायद कर सकते हैं आप लोग ऐसा और। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? 64th क्वेश्चन, पीएनसी। ये तो नॉर्मल पीएनसी का क्वेश्चन है ना, लेट अस सी वेदर वी कैन डू दिस और नॉट। ऑल पॉसिबल नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स, कितना डिजिट्स है? यू हैव टू वंस, you have two ones, four twos and one three and two fours, okay, taken all at a time, the number of such numbers in which odd digits occupy even places, odd digits occupy even
प्लेसेस, ऐसा भी क्वेश्चन हम किए हैं, ऐसा ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं है। सो व्हाट शुड यू डू हियर, देखिए कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है सर, सो 9 प्लेसेस। इवन प्लेसेस का मतलब क्या है, 1 2 3 4 दीज आर इवन प्लेसेस राइट, ऐसा ना, सो इवन प्लेसेस में क्या होना चाहिए, ऑड डिजिट, सॉरी इवन प्लेस में ऑड्स नहीं है, ऑड्स हैव टू ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ऐसा ना, ऑड डिजिट्स हैव टू गो इनटू इवन प्लेसेस, ऐसा ना। सो कितना ऑड डिजिट्स है, हाउ मेनी ऑड डिजिट्स आर देयर, 3 odd digits, yes or no? Yes, sir. So, in how many ways can these 3 digits go to 4 different places? Agar sara different hai to 4P3 hoga? Agar maan lijiye tino digits different hai, then you have 4P3 ways, yes or no? Yes, sir. But two numbers are equal, 1 and 1 same hai na? So, kya karna padega? Divided by? 2 factorial. So this is the number of ways in which you can put these 3 digits in these 4 places. Koi bhi 3 places mein put kar sakta hun. For example, maan lijiye main 1 yaha put kiya, dusra 1 yaha put kiya, ek 3 yaha put kiya. Okay? For example, iske baad kitna places bach gaya mera? How many places are left? 6 places. 6 places are left. And how many digits are left? 6 digits. So 6 digits can be placed in 6 places. In how many ways? Agar sara different hai to 6 factorial ways. Yes or no? Yes sir. But sara different nahi hai. So kya karna padega? Divided by? 4 factorial into 2 factorial. Yes or no? Jabhi identical objects hota hai, permutations mein just uska factorials divide karna padega. Right? Yes sir. So ho gaya aapka. देखिए 4P3 भी 4 × 3 × 2 × 1, सो 4 factorial और 4P3 कैंसिल हो गया। 6 factorial कितना होते हैं, 720 होते हैं, सो 2 × 4 से आप डिवाइड करना पड़ेगा, 180 आ रहे हैं, सो 180 इज द आंसर। क्लियर है क्या नहीं? यस सर। अगेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, कितने लोग ये क्वेश्चन एग्जाम में कर पाइएगा? यस सर। सो कितने लोग को लग रहा है ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से? ओके गुड, सर हो जाएगा। कर सकते हैं दीपान्विता, कर सकते हैं अनिकेत, कर सकते थे आपके, सयनदीप भी कर सकते थे, गुड। देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर? सो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा ना? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी आइटम्स आइडेंटिकल है परमुटेशंस में उसका फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा ना। शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। 66th क्वेश्चन, 66th क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइंस। हाँ बेसिक स्ट्रेट लाइंस या जो भी लोकस का क्वेश्चन है ना, ऐसा ना? यस। सो लोकस का क्वेश्चन तो हम ट्राई कर सकते हैं, राइट? सो दो पॉइंट्स दिया गया है, एक 0 0 एंड द अदर पॉइंट इज 0 1, दीज आर टू फिक्स्ड पॉइंट्स। लोकस ऑफ पी सच दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AOP इज इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट? क्लियर है? ऐसा ना? शैल वी ट्राई दिस क्वेश्चन?
कैसे करना है बोलिए, कैसे करना है। सो देखिए, देखिए डायग्राम तो ड्रॉ कर सकते हैं बट बिना डायग्राम का भी आप कर सकते हैं। देर आर टू पॉइंट्स ओ एंड ए, ओके, एंड पी कैसा होना चाहिए, पी शुड बी सच दैट द पेरीमीटर शुड बी 4 यूनिट्स, ऐसा ना, ये पेरीमीटर दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ कितना होना चाहिए, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स होना चाहिए। OA का लेंथ तो फिक्स्ड है ना, ऐसा ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA, 1 यूनिट, सो लेंथ ऑफ OA इज 1, इसका मतलब बाकी दो लेंथ्स का सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सो यूजुअली क्या करते हैं हम, PH कमा KBA पॉइंट ऑन द लोकस मानते हैं, राइट। सो बेसिकली OP प्लस AP should be equal to what, 3 should be equal to 3, yes or no, clear hai? So OP plus AP should be equal to 3, and did we introduce any extra variables, no sir, so extra equations ka bhi zarurat nahi, jo equation aaya that will be sufficient, only one equation will be sufficient, right? So yes, op sir. Ka matlab root of h square plus k square, yes or no, ap ka matlab kya hai, root of h square plus k minus 1 whole square is equal to 3 hoga, right? So yahan se aap thoda sa simplifications karke wo square roots wo sara nikal ke you have to get the answer। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से पहले मैं ये वाला टर्म को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, ओके, तो स्क्वेयरिंग ईजी होगा, हेच स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट ऑफ हेच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो क्या होगा, हेच स्क्वायर प्लस के माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस हेच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6 रूट हेच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है, यस सर, सो हेच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको एक्सपैंड किया तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 होगा, राइट, सो के स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, सो इसको उस तरफ भेज दीजिए, ये सारा टर्म्स को उस तरफ भेज दीजिए, 6 रूट हेच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 प्लस 2k, राइट, सो एक 2 कैंसिल कर लीजिए, 4 प्लस के हो जाएगा, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो 9 टाइम्स हेच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस के का होल स्क्वायर 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 8k, सो क्या होगा, 9 हेच स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। So once you get the final answer, you just have to substitute x and y. So क्या होगा, 9x square plus 8y square minus 8y minus 16 equal to 0. समझ में आया? Yes sir. Yes sir. इतना तो कर सकते हैं खुद से? Yes sir. देखिए actually इस question का एक shortcut भी है, जिस जो ellipse chapter में आता है, ठीक है? So this is a very standard question of the chapter ellipse. इसमें ellipse का नाम नहीं है question में, but once ellipse chapter is completed, this question can be directly done. आपको इतना derivation करने का जरूरत नहीं है, directly answer आ जाएगा, okay? But अभी के लिए अपना concepts को use करके भी आप कर सकते हैं इस question, okay? So इसमें कितने लोग को लग रहे हैं हो जाएगा मेरे से, सौहार्द अनिकेत को लग रहे हैं, सागनिक को लग रहे हैं, दीपान्वित आयशी, गुड, ओके ओके, सो आपको भी लग रहे हैं, और शॉर्टकट अगर समझ में आता है तो एलिप्स चैप्टर में और इजीली आ जाएगा, ओके, चल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. 66 हो गया. 67 ये भी अच्छा है. 67th क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? ट्रिग्नोमेट्री. ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ना. यस सर. कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5. ये तो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है. एंड अल्फा एंड बीटा आर बोथ इन बिटवीन 0 and π/4. tan 2 alpha is equal to how much? Okay. Any idea कैसे करना है? Any idea कैसे करना है? Simple है ना. वैसे tan 2 alpha का मतलब क्या है? Alpha plus beta plus ऐसा ना. टैन टू अल्फा का मतलब यही है. यस सर. सो दिस इज इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 1 माइनस टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. सॉरी, टैन ए प्लस टैन बी बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी. क्लियर है? सो आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? You have to find tan of alpha plus beta and tan of alpha minus beta. Yes or no? Yes, sir. So, देखिए, so cos of alpha plus beta 3/5. So, tan of alpha plus beta कितना होगा? ये तो triangle rule से आ जाएगा. Yes or no? अगर cos 3/5 है तो tan क्या होगा? Anybody directly बोल सकते हैं? 4/3. बहुत अच्छा. प्लस होगा या माइनस होगा यही देखिए. फिजिक्स में प्लस माइनस आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स में प्लस माइनस फर्क पड़ेगा. सो ये वाला कंडीशन देख लीजिए. अल्फा एंड बीटा बोथ आर बिटवीन 0 and π/4. सो टैन जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 0 and π/2 के बीच में होगा ना. ऐसा ना. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो ये 4/3 है. गुड. नेक्स्ट टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अगर साइन 5/13 है तो टैन कितना होगा वैल्यू वाइज? 5/12. बहुत अच्छा है. प्लस होगा या माइनस होगा? अगर अल्फा एंड बीटा दोनों 0 and π/4 के बीच में है सो अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां तक रहेगा? अल्फा माइनस बीटा कहां से कहां के बीच में रहेगा? कोई बोल सकते हैं? देखिए ऐसा एनालिसिस करिए. अल्फा माइनस बीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? व्हेन विल अल्फा माइनस बीटा बी मैक्सिमम? व्हेन अल्फा इज मैक्सिमम एंड बीटा इज मिनिमम. यस और नो? यस सर. एक डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? पहले वाले का नंबर सबसे ज्यादा हो, सब्ट्रैक्ट जो कर रहे हो वो सबसे कम हो. राइट. सो अल्फा माइनस बीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1/π/4. बीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 5/4. यस और नो? एंड मिनिमम वैल्यू कब आएगा? जब अल्फा सबसे छोटा हो, बीटा सबसे बड़ा हो. राइट. सही है? यस सर. सो अल्फा सबसे छोटा का मतलब अल्फा 0 होना चाहिए, बीटा π/4 होना चाहिए. सो क्या होगा? -π/4 से π/4 के बीच में रह सकता है. सर सो अल्फा माइनस बीटा -π/4 से लेके +π/4 तक कोई भी नंबर हो सकता है. सो अब बोलिए टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा +π/12 होगा या -π/12 होगा? कॉन्फिडेंटली बोलना है रीजन के साथ. कोई बोल सकता है? हाँ, प्लस माइनस होगा. ऐसा बीच में हटक गया तो आंसर नहीं आएगा ना, क्योंकि आंसर तो आना चाहिए ना. एक नंबर सेलेक्ट करके आंसर निकालना है ना आपको. प्लस होगा.
सो जेई में आपको दो आंसर्स नहीं आएगा, एक ही आंसर चूज करना है. सो कौन बोल रहे प्लस होगा सौहार्द, बोल सकते हैं क्यों ऐसा होना चाहिए, प्लस क्यों होना चाहिए? साइन भी पॉजिटिव है. हाँ यहाँ ये फंडा है, देखिए साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा भी पॉजिटिव है ना. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा जो है माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर में कहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन का वैल्यू भी नेगेटिव होगा ना, ऐसा नो? यस सर. साइन का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, टैन का वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है क्या? नहीं. फिर से बोलिए. देखिए ये समझ में आया, अल्फा माइनस बीटा माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा आइदर आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. बट अगर अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, साइन का वैल्यू भी नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन इज नेगेटिव, राइट? बट यहां अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइन इज पॉजिटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अल्फा माइनस बीटा ये वाला पार्ट में नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पार्ट में नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट में है, क्लियर? ओके सर. इसका मतलब टैन भी पॉजिटिव है. सो क्वेश्चन बन गया. नाउ द क्वेश्चन इज almost done, you just have to put the numbers 4 by 3 plus 5 by 12 by 1 minus 4 by 3 into 5 by 12, okay? यहाँ cancellations मत करिए, क्योंकि anyway आपको LCM में हो जाएगा. LCM कितना है, 48 plus 15, 63 by 12 into 3 divided by यहाँ 36 minus 20, 16 by 12 into 3, ये denominators cancel हो जाएगा अच्छे से. ओके, सो आंसर क्या है, 63 बाय 16. ओके यस सर. समझ में आया, 63 बाय 16 ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ओके लग रहे हैं? यस सर. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करिएगा, 68 matrices, right? Yes, sir. 69th question. शायद आपका question है, right? Yes, sir. Basic functions का question है ना? Note कर लीजिएगा. So f of x is equal to log to the base e. इसका मतलब ln बोल सकता हूँ. ln 1 minus x by 1 plus x. Mod x is less than 1. F of 2x by 1 plus x square is equal to what? Options भी note कर लीजिए इसमें. 2 times f of x. F of x whole square. 2 times f of x square. Minus 2 times f of x. Okay? क्वेश्चन नोट किया? यस सर. सो शैल वी गो टू सॉल्विंग दिस? सो आप बोलिए कैसे करना है इसको. सो ये तो सोचने वाला क्वेश्चन नहीं, डायरेक्टली आप x के प्लेस में 2x by 1 plus x square पुट करना है, राइट? यस सर. सो f ऑफ 2x by 1 plus x square is equal to simply ln of 1 minus 2x by 1 plus x square by 1 plus 2x by 1 plus x square, yes or no? देखिए बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि LCM लेने के बाद 1 plus x square minus 2x, 1 minus x का whole square हो गया, yes or no? नीचे 1 plus x का whole square हो गया, right? तो आंसर क्या है एट दिस स्टेज? कैन एनीबॉडी से द आंसर? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए बहुत ही अच्छा है.
क्योंकि ये पावर टू जो है कॉमन आके बाहर चला जाएगा ना, राइट? ऐसा ना, क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर, आगे जा सकते हैं? यस सर। देख लीजिए अभी 60 से लेके 70 तक, सो वी हैव डन 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस कर लिया हमने, ठीक है? ऑलरेडी आप 24 मार्क्स स्कोर कर चुके हैं अभी जितना पता है आपको, समझ में आ रहे सर? हाँ, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला क्वेश्चन, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जीरो ऑप्शन रहता तो फिर वो भी आंसर हो सकता था। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बेटा? 63 है क्या? सर वो जो i प्लस 1 बाय i माइनस, हाँ ये 63 क्वेश्चन, अभी जो आपको 63 दिख रहा है, हाँ सर, हाँ इस क्वेश्चन में, इसमें एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो फिर अगर 0 ऑप्शन होता तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n 0 होता। नहीं नहीं, बट ऑप्शंस में लीस्ट वैल्यू देखना है। हाँ सर वो तो, हाँ, सर बट अगर ऑप्शन में 0 होता तो फिर आंसर 0 होता। नहीं, क्वेश्चन में डिपेंड करता है, मतलब अगर लीस्ट वैल्यू दिया तो ऐसा माइनस 4 भी बोल सकता हूँ ना मैं, यस और छोटा है ना, ऐसा ना, मतलब इस क्वेश्चन में वहाँ आपको मिल जाएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ना 4 3, इस ऑप्शंस में चेक करना है, अगर वैसा आपका है तो द ली द वैल्यू वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर्स दिया फॉर एग्जांपल, देन 0 मार्क कर सकते हैं आप। यूजुअली विदाउट अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो n इज अ नेचुरल नंबर, राइट? यस सर, क्योंकि 0 है तो क्वेश्चन का कुछ ज्यादा कुछ मतलब ही नहीं होगा ना, okay, n इक्वल टू 0 है तो अल्फा बाय बीटा कुछ सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, कोई भी नंबर के लिए पावर 0 तो 1 ही है, राइट? यस सर, सो वो ऑप्शन से आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके, क्लियर? Okay, sir. So we have done 6 questions till now, and 6 are easy questions. Okay. Next, 71 question भी शायद आप कर सकते हैं, yes or no? 71 question भी आपका ही पढ़ा हुआ concept से है, basically mod question, yes or no? Question note करेंगे? Let us see whether we can do this or not. Root x minus 2 mod plus root x into root x minus 4 plus 2 equal to 0. Okay. Yaha x greater than 0 diya. Sum of the solutions chahiye. Okay. Relevant information register hua? Yes, sir. Have you registered relevant information? Good. So, मुझे इस क्वेश्चन में जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लग रहा है, एक मॉड का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, ऐसा ना? यस सर, मॉड का कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगेगा, और शायद मुझे जो लग रहा है क्वाड्रेटिक का कुछ कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, ऐसा ना? रूट एक्स इक्वल टू टी लेना वैसा कुछ लगेगा ना इसमें, ऐसा ना? देखिए क्वेश्चन देख के आप गेस करना शुरू करना है, यू जस्ट हैव टू गेस व्हाट कॉन्सेप्ट्स माइट बी यूजफुल इन दिस। सो फर्स्ट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इतना तो सिंप्लीफाई करूंगा ना मैं, सो मॉड ऑफ टी माइनस 2 प्लस टी इंटू टी माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके? सो क्या क्या केसेस आएगा बोलिए, क्या क्या केसेस आएगा? देखिए ये ऑल दिस इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस पार्ट, प्रॉब्लम इज विद दिस पार्ट, मॉड का केसेस क्या लेंगे? सौहद बोल सकते हैं? जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है क्या केसेस लेते हैं हम? कोई बोल सकते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ, सो केसेस क्या आएगा?
व्हाट आर द केसेस? केस वन केस टू क्या है, डायरेक्टली बोल सकते हैं? टी ग्रेटर देन टू एंड टी लेसर देन टू. बहुत अच्छा है, यही थोड़ा सा फास्ट बोलिया, इतना टाइम नहीं लेना है. ठीक है, हर बार वही करते हैं हम. मॉड का जब भी क्वेश्चन आते हैं, केस वन क्या है, इसके मॉड के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव, दैट इज टी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू. ऐसा नो. केस टू क्या है, टी लेस देन टू. ऐसा नो. यस सर. सो फर्स्ट केस में मॉड डायरेक्टली निकल जाएगा, राइट? सो व्हाट इज माय इक्वेशन, टी माइनस टू प्लस टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस टू इक्वल टू जीरो, राइट? सो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी इक्वल टू जीरो. देखिए अच्छा सा, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू थ्री, राइट? समझ में आया? यस सर. यस सर. अब सेकंड केस में टी लेस देन टू है तो मॉड जाते जाते क्या देगा, इट विल गिव ए माइनस माइनस साइन. सो टी माइनस टू जो है टू माइनस टी होगा, बाकी सब तो सेम है. सो टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो. यस और नो? यस सर. सो टी माइनस वन इंटू टी माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. यस और नो? सो टी इक्वल टू वन और फोर. ओके, टी में पूरा सॉल्व हो गया. अब आपको जाना है एक्स पे, राइट? सो व्हाट इज टी? रूट एक्स, राइट? यस सर. सो रूट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो. रूट एक्स इज इक्वल टू थ्री का मतलब एक्स इज इक्वल टू नाइन. रूट एक्स इज इक्वल टू वन का मतलब एक्स इज इक्वल टू वन. रूट एक्स इज इक्वल टू फोर का मतलब एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन. सारा सोल्यूशन आ गया. सो व्हाट इज आंसर? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 26. राइट. हाँ, क्या हुआ? 26 है ही नहीं क्वेश्चन में, आंसर में 26 है ही नहीं. 9, 4, 10, 12. क्या हुआ, कुछ गलती किया था क्या कहीं? It be go wrong at some point. देखिए कहीं गलती हुआ या सारा सही है? मैं क्वेश्चन सही नोट किया, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए. जो भी सॉल्यूशन हम किया है सही है ना क्वेश्चन? मॉडुलस ऑफ रूट एक्स माइनस टू प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू जीरो. यहाँ कुछ गलती नहीं है सर. हाँ सर, वो फर्स्ट केस में हम लोग तो टी इक्वल ग्रेटर देन टू लिए थे ना, तो जीरो हम लोग. हाँ हाँ, ये तो भूल ही गया हम. केस तो टी ग्रेटर देन टू में सॉल्व किया ना हमने, वो तो चेक करना भूल ही गया. ये टी ग्रेटर देन टू में सॉल्व किया ना, ऐसा ना? बट सो टी इक्वल टू जीरो तो आप लेना नहीं है, सो ओनली टी इक्वल टू थ्री लेना पड़ेगा. ऐसा नो? एंड द सेकेंड केस वी हैव सॉल्व व्हेन टी इज लेस देन टू. वन और फोर में कौन सा लेना पड़ेगा? वन. हाँ, सिर्फ वन लेना है. ओके, सो ये जीरो वाला भी नहीं आएगा, सिक्सटीन भी नहीं आएगा ना, ऐसा नो? So only these two cases will come, right? Yes sir. Yes sir. 10. ठीक है, इतना देखिए यही सिली मिस्टेक्स होता है. अच्छा है कि 26 नहीं है आंसर में, सही है? अगर 26 है तो गलत होते थे. सो आंसर इज 10. 10. क्लियर है? जिस केस में हम सॉल्व किया
जिस केस में हम सॉल्व किया टी ग्रेटर देन टू टी लेस देन टू, जो सॉल्यूशंस आने के बाद उसी केस में जो सॉल्यूशंस है वो लेना पड़ेगा, ऐसा नो क्लियर है? यस। सो शैल वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस यस सर। सो कौन सा क्वेश्चन? देखिए इस पेपर में पूरा तो हमारा क्वेश्चन ही है। Yes, अभी तक 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन इस पेपर में 11 में। 72 भी हमारा है, 73 भी हमारा है। ये देखिए लिमिट क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, हम तो कर सकते हैं लिमिट्स का क्वेश्चन। देखते हैं, सो नोट कर लीजिए 71 लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट टू माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। ओके शैल वी ट्राई दिस क्वेश्चन? सो स्टार्ट कमिंग आउट विथ आइडियाज। ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, यहां 1 प्लस कॉस एक्स देख के कुछ याद आ रहे? वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है? टू साइन स्क्वायर, सॉरी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। हाँ, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। सो रूट निकालने के बाद दिस विल बिकम लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट टू माइनस रूट टू कॉस एक्स बाय टू, यस और नो? ओके और नॉट? ओके यस सर। सो यहां ध्यान दे दीजिए कॉस एक्स बाय टू आएगा या मॉड कॉस एक्स बाय टू आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। ओके क्लियर? रूट ऑफ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। सो रूट टू बाहर आने के बाद रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू बचेगा, सो रूट टू टाइम्स मॉड कॉस एक्स बाय टू। ओके, बट इस क्वेश्चन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस हो या जीरो माइनस हो, एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? जीरो प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जीरो माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों क्वाड्रेंट्स में कॉस क्या है? पॉजिटिव। सो मॉड इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बट देयर कैन बी अ क्वेश्चन वेयर दिस मैटर्स, बट सो आपको केयरफुल होना चाहिए। ओके, सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट टू अगर कॉमन लेते हैं, वन माइनस कॉस एक्स बाय टू। साइन स्क्वायर एक्स बाय रूट टू इंटू वन माइनस कॉस एक्स बाय टू क्या होगा? वन माइनस कॉस एक्स बाय टू इज टू, साइन स्क्वायर एक्स बाय फोर हो जाएगा, राइट? यस सर। अब तो हो ही गया, यहां साइन स्क्वायर एक्स है, बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करना है मुझे, ऐसा ना? या साइन एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर है, सो एक्स बाई फोर होल स्क्वायर से डिवाइड करके एक्स बाई फोर होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकता हूं? यस सर। सो ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये फोर स्क्वायर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में, बाई फोर स्क्वायर ऊपर जाएगा, सो 16 बाई टू रूट टू, यस और नो? 8 बाई रूट टू, 4 रूट टू इज द आंसर। है आंसर? ओके और नॉट? यस सर। ये क्वेश्चन इजी है ना?
This is also an easy question. Yes or no? Yes, sir. So 72 question भी हो गया हमारे से. Next 73rd question. कौन सा चैप्टर से है? बोल सकते हैं 73rd क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है? बाइनोमियल थ्योरम. ये तो बाइनोमियल थ्योरम से है, बट दिस इज फ्रॉम सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टॉपिक, लास्ट में जो पढ़ाया गया है आपको. सो लेट अस सी वेदर वी कैन डू दिस यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट्स. 8 टाइम्स 20C2 प्लस 11 टाइम्स 20C3 प्लस सो ऑन अप टू 62 टाइम्स 20C20. ओके, क्वेश्चन नोट किया? डिड यू नोट दिस क्वेश्चन? यस और नो? यस सर. सब लोग नोट किया बेटा? यस सर. देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जो बेसिक फॉर्मूलास हम डिराइव किया है वो थोड़ा सा याद करेंगे. ओके, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में क्या क्या फॉर्मूलास हम डिराइव किए हैं? फर्स्ट इज सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सो ऑन अप टू सी एन. सारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को डायरेक्टली ऐड किया तो कितना आएगा? व्हाट इज आंसर? एनीबडी? 2 पावर n. देखिए, ये सारा फॉर्मूलास फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका. इज इट ओके? इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करके एक फॉर्मूला डिराइव किया है, याद है आपको? ये बोलिए, किसी को डिफरेंशिएशन के बाद एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है आपके क्लास में, किसी को याद है? एनीबडी कैन राइज योर हैंड इफ यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. देखिए, सारा फॉर्मूला याद रखना है, ऐसा नहीं चलेगा. जो भी आप टेस्ट भी दे दिया, फिर टेस्ट के लिए तो पढ़ा होगा ना आपने. आयुषी, याद नहीं है? अनिकेत, ओके, किसी को याद नहीं है. यूजुअली क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं ना, देखिए मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं. 1 प्लस एक्स होल पावर एन सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू सी एन एक्स पावर एन. इसमें आप x इक्वल टू 1 डायरेक्टली पुट किया तो ये वाला फॉर्मूला आएगा. एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो n इंटू 1 प्लस एक्स होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू सी नॉट का डिफ्रेंशिएशन 0, सी वन प्लस 2 टाइम्स सी टू टाइम्स x, 3 टाइम्स सी थ्री टाइम्स x स्क्वायर प्लस सो ऑन n टाइम्स सी एन टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1 आएगा. Now if you put x equal to 1, x equal to 1 put kiya to, so n times 2 power n minus 1 is equal to c1 plus 2 times c2 plus 3 times c3 plus so on up to n times cn. Kuch yaad aa raha hai? At least aisa kuch derivation kiya hai hum? Yes sir. Okay. दीज आर द बेसिक्स दैट वी हैव डन. बेसिक्स याद तो रखना चाहिए.
एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चन हर बार इसी फॉर्मूला से आए, बट 90% ऑफ द टाइम इसी फॉर्मूला से आएगा. सो देखिए, वेन एवर यू गिवन ए स्पेशल सीक्वेंस व्हाट विल यू डू. एक जनरल टर्म तो लिखते हैं, ऐसा ना, जनरल टर्म लिख के सिग्मा करते हैं ना, राइट. सो इफ यू टेक द कोएफिशिएंट्स, कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2, 5, 8, 11 सो ऑन. इज देयर सम पैटर्न इन दिस? यस सर. क्या है पैटर्न? एपी. एपी है ना, ऐसा ना. यस सर. सो व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 3, ऐसा नो. सो बेसिकली क्या है, 3n माइनस 1, ऐसा नो. दीज नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 3n माइनस 1, राइट. क्लियर? यस. सो यूजुअली बाइनोमियल थ्योरम में n जो है पावर के लिए यूज होता है, इसलिए हम nth टर्म नहीं लिखेंगे, बिकॉज दिस इज क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम में यूजुअली rth टर्म जैसा रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, ऐसा नो. यस सर. सो मैं r यूज करके रिप्रेजेंट करता हूं. सो 20 cr लिखता हूं. लेट मी राइट 20 cr. सो r पहला टर्म में 0 है, इसके बाद 1, 2, 3 ऐसा बड़ा हो रहा है ना, ऐसा नो. एंड हियर r जो है 0 से स्टार्ट हुआ, सो यहां क्या लिखना पड़ेगा, 3 r, डायरेक्टली 3 r माइनस 1 लिखा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नो, क्योंकि r 0 पुट किया तो यहां माइनस 1 हो रहा है, राइट. सो 3r से क्या करना पड़ेगा, शायद 3r प्लस 2 किया तो हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है क्या नहीं? सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3r माइनस 1, आई एम राइटिंग 3r प्लस 2. r इक्वल टू 0 पुट किया तो ये 2 हो गया, r इक्वल टू 1 पुट किया तो 5 हो गया, r इक्वल टू 2 पुट किया तो 8 हो गया. कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. So the general term is 3R plus 2 times 20 cr. Okay. Right. And R is going from where to where? R is going from. R is going from. R is going 0 to 20. Okay. क्लियर है? सो इसको सिग्मा करना पड़ेगा मुझे, राइट. कहां से कहां तक? r इज इक्वल टू 0 टू 20. क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? यस सर. सो आप देखिए, सो देर इज ए लॉट ऑफ पावर इन द सिग्मा नोटेशन. एक बार सिग्मा में लिखने के बाद चीजें बहुत इजी हो जाएगा. सो सिग्मा के मैनिपुलेशंस में क्या कर सकता हूं, व्हाट आर द मैनिपुलेशंस दैट आई कैन डू फॉर सिग्मा? सेपरेटेड और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट मल्टीपल कैन बी टेकन आउट, ऐसा ना. यस. सो डायरेक्टली आप सिग्मा को ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सो पहला क्या करना पड़ेगा, 3r टाइम्स 20 cr प्लस 2 टाइम्स 20 cr, ऐसा ना. ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया मैंने, सही है. So that is equal to sigma r is equal to 0 to 20, 3r times 20 cr plus sigma r is equal to 0 to 20, 2 times 20 cr, right? Sahi hai? Plus mein main separate kiya, okay? Yes sir. इसके बाद दिस 3 इज अ कांस्टेंट, इसको मैं बाहर कर सकता हूं. यहां 2 इज अ कांस्टेंट, इसको मैं बाहर कर सकता हूं, राइट. यस सर. सो दैट विल गिव मी 3 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 20, r टाइम्स 20 cr
प्लस टू टाइम्स सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो टू ट्वेंटी ट्वेंटी सी आर. ओके यस. अब देखिए इसका मतलब क्या है. व्हाट इज दिस, कोई बोल सकता है व्हाट इज, व्हाट डज दैट मीन? सर पहला वाला इक्वेशन. हाँ यही फॉर्मूला है ना, because this is 20c0 plus 20c1 plus 20c2 plus 20c3 plus 20c4 so on up to 20c20. what is the formula for this? 2 power 20. ye to 2 power 20 ho gaya. and can someone recognize what this is? sir second one formula. ha dekhiye r equal to 0 put kiya to 0 ho gaya, r equal to 1 put kiya to 1 times 20c1 प्लस टू टाइम्स ट्वेंटी सी टू प्लस थ्री टाइम्स ट्वेंटी सी थ्री, यही है ना? ऐसा ना, सो वन टाइम्स ट्वेंटी सी वन प्लस टू टाइम्स ट्वेंटी सी टू थ्री टाइम्स ट्वेंटी सी थ्री सो ऑन अप टू ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी सी ट्वेंटी, सिंपली एन इज इक्वल टू ट्वेंटी राइट. सो इसके प्लेस में मैं क्या पुट कर सकता हूं, ट्वेंटी टाइम्स टू पावर ट्वेंटी माइनस वन नाइनटीन. ओके सो हो गया काम मेरा. सो द आंसर इज सिंपली, सो थ्री टाइम्स ट्वेंटी टाइम्स टू पावर नाइनटीन प्लस टू टाइम्स टू पावर ट्वेंटी, टू टाइम्स टू पावर ट्वेंटी. सो आप कुछ कॉमन ले लीजिए, ये ट्वेंटी को आप फोर इंटू फाइव लिख सकते हैं. सो टू पावर नाइनटीन इंटू फोर टू पावर ट्वेंटी वन हो गया. सो टू पावर ट्वेंटी वन कॉमन लिया तो थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन प्लस यहां भी टू पावर ट्वेंटी वन कॉमन आए तो वन आएगा. सो दैट इज इक्वल टू टू पावर ट्वेंटी वन इंटू सिक्सटीन इज टू पावर फोर. व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? टू पावर ट्वेंटी फाइव. सो अगर ये वाला क्वेश्चन, अगर देखिए बाइनोमियल क्वेश्चन है सबसे इजी वाला क्वेश्चन है ये. सो इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट दैट इज बिकॉज यू डोंट रिमेंबर दीज फॉर्मूलास. सो वो फॉर्मूलास याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके आगे जाएंगे, क्लियर और नॉट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन 73 हो गया, 74 तो डिफरेंशियल इक्वेशंस. ओके 75 इंटीग्रेशन, 76 कौन सा चैप्टर से? एरिया. 77 स्टैटिस्टिक्स. 78 3D गुड. 79 मैथमेटिकल रीजनिंग. हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर हुआ नहीं, बट मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ऐसा नो, कोई बोल सकते है व्हाट इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट? याद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब इफ समथिंग देन समथिंग, दोनों को नॉट ऐड करना पड़ेगा और ऑर्डर को रिवर्स करना है, राइट? सो कैन समवन गिव मी द आंसर फॉर 79th क्वेश्चन? ऑप्शन बी. इफ यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बॉर्न इन इंडिया, ऑप्शन बी. यस देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर तो हुआ नहीं, फिर भी आप कर पा रहे हैं क्वेश्चन, क्लियर? 80th क्वेश्चन. देखिए ये बेसिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, ये तो ऐसा कुछ चैप्टर में इंक्लूड नहीं होता है, कॉमन सेंस क्वेश्चन है. सो क्या है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड सच दैट 100 इज लेस देन n लेस देन 200, 100 एंड 200 के बीच में होना चाहिए, एंड HCF ऑफ 91, n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ओके सो शैल वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. नंबर मुझे 100 एंड 200 के बीच में होना चाहिए, एंड एच सी एफ ऑफ 91, n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए. इसका मतलब क्या है?
व्हाट इज 91? 91 एंड n, देखिए एच सी एफ ऑफ 91 कमा n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? इफ टू नंबर्स हैव एच सी एफ 1, दैट मीन्स दीज टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, है सर? नो, यस सर, डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर्स. सो एच सी एफ ऑफ 91 कमा n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? They have common factors. They have at least one common factor, yes or no? So n comma 91 have at least one common factor, yes or no? So next, count the number analysis karna hai. We have to analyze this 91. So what is the prime factorization of 91? 91 kya hai? 13 into 7. इसका मतलब 91 का फैक्टर्स आर 13 एंड 7. सो एच सी एफ ऑफ 91 एंड n ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इट हैज टू बी आइदर डिविजिबल बाय 13 और डिविजिबल बाय 7, है सर? नो, सो इफ एच सी एफ ऑफ 91 एंड n इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 91 and n have at least one common factor, which means n is either divisible by 7 or divisible by 13. Yes or no? दोनों में से किसी ना किसी से divisible होना चाहिए या दोनों से भी divisible हो सकते हैं, right? So, क्या करेंगे? लेट ए बी द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, बी बी द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13. व्हाट इज ए यूनियन बी? हमको आइदर डिविजिबल बाय 7 और डिविजिबल बाय 13 चाहिए ना, ऐसा ना? यस सर. सो एन ए यूनियन बी क्या होता है? अगर एन ऑफ ए यूनियन बी का बात किया तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी करना पड़ेगा ना, इज़ नो? यस सर. इसका मतलब पहला हम क्या करेंगे, लेट अस ऐड ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7. ओके, नेक्स्ट लेट अस ऐड ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 13. इसमें से क्या माइनस करना है? सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 13, दैट इज 91 से डिविजिबल जो नंबर्स है वो माइनस करना है. क्लियर है कि नहीं? यस सर. सो 7 से डिविजिबल नंबर्स जो है कहां से स्टार्ट होगा? 100 एंड 200 के बीच में देखना पड़ेगा. 7 का मल्टीपल्स कहां से स्टार्ट होगा? 105 से स्टार्ट होगा शायद, यस और नो? यस सर. एंड कहां तक जाएगा? 196. ओके, सीक्वेंस में कितना टर्म्स होगा? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस? क्योंकि सम के लिए नंबर ऑफ टर्म्स इंपॉर्टेंट है ना, राइट? सो दिस इज 7 इंटू कितना? 15. 7 इंटू 15, राइट? दिस इज 7 इंटू कितना? 20. कितना? 28 है ना? यस सर. सो 7 इंटू 15 से लेके 7 इंटू 28 तक कितना टर्म्स है? 14 टर्म्स. ओके, ध्यान दे दीजिए. क्या करना है? 28 माइनस 15 प्लस 1 करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर इंक्लूडेड, राइट? 14 टर्म्स. एंड एन ऑफ बी के लिए 13 से डिविजिबल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा? वन नॉट फोर से स्टार्ट होगा, ऐसा नो? 13 इंटू 8, 104 से स्टार्ट होगा. इसके बाद कहां तक जाएगा?
इसको 91 ऐड कर लीजिए, 195 तक जाएगा, क्योंकि 91 इज डिविजिबल 13 है ना. सो 13 इंटू 15 होगा. ओके सो 13 इंटू 8 से लेकर 13 इंटू 15 तक कितना टर्म्स है? यू हैव हाउ मेनी टर्म्स? 8 टर्म्स. यू हैव 8 टर्म्स. ओके सो व्हाट इज द सम ऑफ दिस? n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर सकता हूँ, इजी हो जाएगा ना. ऐसा नो कर सकता हूँ क्या? नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा? 301 ऐसा और नो दैट इज 7 इंटू 301. 8 बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू अगेन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना होगा? 299 राइट. सही है कि नहीं? सो इंटरसेक्शन में कितना टर्म्स होगा? ठीक है, 91 बहुत बड़ा नंबर है, इंटरसेक्शन में बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं होगा ऐसा. Yes, so, sir. क्या क्या नंबर्स होगा? सिर्फ एक ही नंबर होगा शायद. 91 तो 100 से पहले है. Yes, sir. 100 एंड 200 के बीच में कौन सा नंबर है? 192 yes or no? 182 sir, 182 right? So there is only one number which needs to be subtracted. So क्या करना है? ये दोनों को add करके ये वाला subtract करना है. करिए देखिए आंसर कितना आएगा. This is 2107, 299 into 4, so 1200, 1196, so dono add kiya to 3303 minus 182, hai kya? Yes, sir. Okay, लग रहे हैं? So, do we have this answer? So, 80th का आंसर क्या है? देखिए सॉल्यूशन समझ में आया सबको? Yes, sir. So, आप देख लीजिए लैंग्वेज को कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं. यूजुअली दिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक. यूजुअली आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर आइदर डिविजिबल बाय 7 और डिविजिबल बाय 13. डायरेक्टली ये वाला वर्डिंग मिलेगा रेगुलर टेक्स्ट बुक्स में. उसका वर्डिंग चेंज करके कैसे किया इस क्वेश्चन में? ये HCF ऑफ 91 कमा n इज ग्रेटर देन 1. लैंग्वेज कैसे ट्विस्ट हुआ दिख रहा है आपको? यस सर. देखिए मीनिंग तो सेम है, मीनिंग इज सेम. सो आप मतलब इस क्वेश्चन से ये टेस्ट कर रहा है कि HCF ऑफ 91 का n ग्रेटर देन 1, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करके इफ यू कैन अप्रोच टू दैट स्टेज. बेसिकली n इज आइदर डिविजिबल बाय 7 और डिविजिबल बाय 13, वहां तक अगर एनालिसिस कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. ओके क्लियर? यस सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 80th हो गया. इसके बाद ये वाला देखिए, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सेट. ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है. ओके 82 कौन सा टॉपिक से है ये? बाइनोमियल थ्योरम. देखिए ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं, याद है? एक बार सारा प्लसेस आ जाएगा, एक बार प्लस माइनस ऑल्टरनेट आएगा, दोनों को ऐड किया तो जो इरेशनल टर्म्स जो है वो सारा कट जाएगा राइट.
सो 82 क्वेश्चन कैन बी ट्राइड, ट्राई करिएगा अपने से. Yes, sir. 82 क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, यू कैन डू द क्वेश्चन राइट. 83rd क्वेश्चन कर सकते हैं. The point on the straight line, this which is equidistant from coordinate axis, lies only in. देखिए basic diagram का question है, इसमें कुछ करने का जरूरत भी नहीं है. कोई मुझे आइडिया दे सकता है कैसे करना है ये वाला question? सर इंटरसेप्ट फॉर्म में करेंगे उसको. क्या है? आयुषी एनी आइडिया हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट्स. इसमें कुछ करने का भी जरूरत नहीं, इस लाइन को प्लॉट करना है. इन लाइन का डायग्राम कैसा आएगा? इंटरसेप्ट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट? x-intercept is 5, right? y-intercept is 0. 3. Yes or no? ये line है? Yes or no? So points which are equidistant from coordinate axis का मतलब क्या है? Simply y is equal to x एक line. देखिए, simply what you need to do is just need to draw the line y is equal to x and y is equal to minus x. यही दो lines है ना जिसके ऊपर points coordinate axis से equidistant होगा. Yes or no? Yes sir. Y is equal to x के ऊपर हर point coordinate axis से equidistant होगा. Yes or no? Yes sir. Y is equal to minus x के ऊपर भी points coordinate axis से equidistant होगा, right? So what are you, what should you find? You just have to find the points of intersection of these two lines, right? ये green line जो है, ये blue lines को कौन सा quadrant में intersect कर रहे? That's the question. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. First quadrant में एक बार intersect किया मेरे हिसाब से, second quadrant में एक बार intersect कर रहे हैं, सुनो. Yes, sir. So, इसका मतलब ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस, ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस. सो देर आर टू पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्सिस, दे लाई इन विच क्वाड्रेंट्स? फर्स्ट एंड सेकंड. सो आंसर ऑप्शन डी मार्क करना है. ठीक है, क्लियर है क्या नहीं? सो 84th क्वेश्चन, 84th क्वेश्चन एलिप्स से है, राइट? एलिप्स अब बाद में हो जाएगा. 85th क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बट ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉस अल्फा इज 3/5, टैन बीटा इज 1/3, ऐसा होगा. इनवर्स फंक्शन को आप साइड बदल दिया तो नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा, राइट? 85th क्वेश्चन, कॉस अल्फा अगर आपके पास है, टैन बीटा अगर आपके पास है, अल्फा माइनस बीटा का रेशियोस निकाल सकते हैं? सुनो, यस सर, निकाल सकते हैं ना. यहां भी देखिए इंटरवल भी इंपॉर्टेंट है. अल्फा माइनस बीटा जो है माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच में रह सकते हैं. अल्फा माइनस बीटा कैन लाई बिटवीन माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू. आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा फोर्थ में है कि या फर्स्ट में है.
So cos alpha is equal to 3 by 5. Tan beta is equal to 1 by 3. Alpha comma beta are between 0 and pi by 2. Alpha minus beta is equal to what? One answer is about sine. The other answer is about cos. The other answer is about tan. Yes or no? So, कैसा एनालिसिस करिएगा, कुछ रास्ता बोल सकते हैं? बेसिकली अल्फा माइनस बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. देखिए अल्फा माइनस बीटा एक्चुअली माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में हो सकता है. सर नो, लॉजिक समझ में आता है इसका? यस सर. एक और क्वेश्चन में किया है ना ये लॉजिक. अब क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है. पिछली बार हमको अल्फा माइनस बीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया, इसलिए हम बहुत इजीली डिसाइड कर लिया. बट इस बार कॉस अल्फा अलग सा है, टैन बीटा अलग सा है. सो हाउ विल यू डिसाइड वेयर अल्फा माइनस बीटा इज? सो यहां लॉजिक है, अगर अल्फा बड़ा है तो अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव होगा, ऐसा ना? अल्फा छोटा है तो अल्फा माइनस बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ऐसा ना? अल्फा माइनस बीटा का साइन किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन वेदर अल्फा इज बिगर और बीटा इज बिगर, राइट? यस सर. ओके, सो कैसे डिसाइड करिएगा अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है? एक का कॉस है, एक का टैन है, अलग अलग रेशियो से तो डिसाइड करना मुश्किल है. सो दोनों का सेम रेशियो में ट्रांसफॉर्म करता हूं, राइट? सो अगर कॉस अल्फा 3 बाई 5 है तो टेन अल्फा कितना होगा? फोर बाय थ्री, ऐसा नो 1.33, राइट? टेन बीटा कितना है? 0.33. सो कौन सा बड़ा एंगल होगा? टैन का नेचर क्या है, एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ेगा, राइट? सो अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? अल्फा बड़ा है. ओके, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सो ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव. ओके, ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव. सबसे इजी है टैन अल्फा माइनस बीटा निकालना, सबसे इजी है. सो टैन अल्फा माइनस बीटा इज टैन अल्फा माइनस टैन बीटा बाय वन प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा, ऐसा ना? फोर बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री तो वन हो जाएगा, नाइन प्लस फोर थर्टीन बाई नाइन, सो सिंपली नाइन बाई थर्टीन. ओके, सो टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज नाइन बाई थर्टीन. ट्रायंगल अगर यूज किया तो ये अल्फा माइनस बीटा है तो ये 9 है, ये 13 है. सो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? रूट ऑफ 169 प्लस 81, रूट ऑफ 250. इसका मतलब 5 रूट 10. ओके, सो इतना जरूर, मतलब इतना हो गया ना, आंसर डिसाइड कर सकते हैं हम? कैन वी डिसाइड द आंसर नाउ? ओके, 5 रूट 10, 5 रूट 10 तो दिख रहा है मुझे. साइन अल्फा 9 बाय 5 रूट 10 है क्या? कॉस अल्फा 9 बाय 5 रूट 10 है. साइन जो है वो 9 बाय 5 रूट 10, ऐसा ना? सो साइन इनवर्स ऑफ 9 बाय 5 रूट 10 तो सही है. टैन इनवर्स ऑफ क्या होना चाहिए? टैन इनवर्स ऑफ 9 बाय 13 होना चाहिए, वो तो नहीं है आंसर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर? यस सर. So, आज का क्वेश्चन समझ में आ रहे? यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, ऐसा ना? यस सर. क्योंकि ये एक्चुअली 2019 का फर्स्ट शिफ्ट है, देयर यूज्ड टू बी 30 क्वेश्चंस एट दैट टाइम, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा है हमको. ओके, बाकी क्वेश्चंस, एक सर्कल्स का क्वेश्चन है 87, बाकी जो है 12th का क्वेश्चंस. ओके, क्लियर? यस. सो इन दिस पेपर आल्सो लगभग सारा क्वेश्चंस हमारा
जो पढ़ाया गया है उसी के अंदर से है. ओके एंड आपका ऐप में प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किया गया है, देखे आप लोग? अगर नहीं देखा तो एक बार आप देख लीजिए. जस्ट ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. ओके सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे. थैंक यू सर.